मानविकी विद्यापीठ द्वारा संचालित इस परामर्श सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेडियो लेखन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, रेडियो लेखन का यह पाठ्यक्रम स्नातक का जो पाठ्यक्रम विद्यार्थी कर रहे हैं और जिन्होंने हिंदी ले रखी है, हिंदी में जो बीए कर रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से, उनके लिए यह एक व्यवहार मूलक पाठ्यक्रम है जो बीए तृतीय वर्ष में, स्नातक तृतीय वर्ष में जिसको वे ले सकते हैं, समाचार पत्र और फीचर लेखन और एक दूसरा जो रेडियो लेखन है। ये रेडियो लेखन का जो पुराना कोड है आप सब जानते हैं, WR01 या WRH कहते हैं इसको। और अब जब इसकी संशोधित सामग्री भी आ गई है, काफी चीजें कुछ बदल दी गई हैं, अब इसका कोड है, नया कोड इसका बदल गया है, नाम वही रह गया है, BPRA 101 कहते हैं अब इसको। पाठ्यक्रम में बहुत परिवर्तन नहीं है, कुछ चीजें नई जोड़ दी गई हैं। जो पुराने विद्यार्थी हैं उन्हें पुरानी पाठ्य सामग्री मिली होगी, वे उसी का अध्ययन करें, उसी से उनको परीक्षा देनी होगी। जो नए विद्यार्थी अब प्रवेश लेंगे उन्हें नई सामग्री दी जाएगी और वे नई सामग्री के अनुसार अपनी तैयारी करेंगे और परीक्षा देंगे। आज हम बात करेंगे अपने विद्यार्थियों से और जो तमाम लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वे भी हमारी बातचीत से लाभ ले सकते हैं। आज आपको परामर्श देने के लिए, हमसे बातचीत के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, आपका स्वागत है। आप रेडियो से जुड़े हुए हैं, रेडियो में, रेडियो स्टेशन दिल्ली के आप केंद्र निदेशक हैं इस समय। जाहिर है कि आपका एक लंबा अनुभव है रेडियो में काम करने का, रेडियो में लिखने का, लिखवाने का, कार्यक्रम प्रसारित करने का, व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों तरह का अनुभव वाजपेयी जी के पास है। और निश्चित तौर पर उनसे बेहतर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता जो आपको सलाह दे सके रेडियो से संबंधित जो तमाम समस्याएं आपके सामने होंगी, लिखते वक्त, पढ़ते वक्त जो समस्याएं आपको समझ में आती होंगी। कई बार कोई चीज आप पढ़ते होंगे, पाठ्य सामग्री पढ़ती होंगी आप, लगता होगा आपको कि ये चीज समझ में नहीं आई, कुछ और इसमें होता, खुलापन होता, कुछ और विस्तार से समझाया गया होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। तो आज उन सभी समस्याओं को आप हमें फोन करके भी पूछ सकते हैं और वाजपेयी जी स्वतः बात करते हुए जब तमाम विधाओं के बारे में लेखन की बात बताएंगे जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक बातें हैं, तो उससे आपकी समस्याएं निश्चित रूप से हल होंगी। तो वाजपेयी जी, आज हम अपने विद्यार्थियों से सबसे पहले तो यही बात करें कि ये जो रेडियो लेखन हम कहते हैं, तो इनको लगता है रेडियो लेखन क्या हुआ? जैसे इनकी समझ में आता है कि रेडियो में समाचार आते हैं, रेडियो में रूपक आते हैं, रेडियो में वार्ताएं आती हैं, कई तरह के साहित्यिक कार्यक्रम आते हैं, गीत संगीत के कार्यक्रम आते हैं, एंकरिंग होती है, तो इनको लगता है कि रेडियो के लिए लेखन का क्या मतलब हुआ? जी जी, बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने। समाचार लेखन तो एक अलग हो गया, लेकिन जो सामान्य जो लोग इस तरह रेडियो में भाग ले सकते हैं, रेडियो लेखन की जहाँ जरूरत पड़ती है, जाहिर है कि अगर वो नमस्कार भी उद्घोषक करता तो लिखा होता है, तो लिखना तो बहुत अनिवार्य है हर विधा में। अब बात आती है रेडियो लेखन की, तो बुनियादी जैसे कि जितनी वार्ताएं आती हैं जी जी जी, वो सारा उसके लिए लेखन की आवश्यकता है, आलेख की आवश्यकता है। साक्षात्कार एक विधा है जिसमें आलेख की कोई आवश्यकता नहीं है, और परिचर्चा है जिसमें आलेख की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फीचर जितना है, फीचर या डॉक्यूमेंट्री, वो सारा उसके लिए आलेख की जरूरत पड़ती है। फिर जिनका जरा बहुत क्रिएटिव और उस तरह के जो उनको किस्से कहानी उस तरह का साहित्यिक अभिरुचि वाले हैं, वो रेडियो नाटक लिख सकते हैं, तो वहाँ एक लेखन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा अब विज्ञापन का इतना विशाल क्षेत्र है, और तो उसके लिए लेखन की आवश्यकता है। तो इस तरह बहुत बड़ा एक दायरा है। जैसे कि मान लीजिए भजन का, भक्ति संगीत का कार्यक्रम, अब अगर कई जगह तो उद्घोषक यूं ही पेश कर देता है या वो स्वयं आलेख बना लेखन करता है, कई जगह ये भी हो सकता है कि आलेख बाहर से लिखवाया जाए, तो आपको ये पता है कि भाई ये भजन आने, लेकिन उनको एक गूंथना एक अच्छे से आलेख में, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है ना कि रेडियो पर शब्द है और तो कोई आकर्षण है नहीं, तो इसलिए लेखन का महत्व बहुत बढ़ जाता है रेडियो पर। और ये भी मतलब जो विद्यार्थी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या और भी लोग देख रहे हैं, मैं बार बार एक बात ये कहता हूं कि अगर आप रेडियो के लिए कोई बहुत अच्छा आलेख लिख सकते हैं,
तो विश्वास करिए कि फिर आप एक बहुत अच्छा आलेख समाचार पत्र के लिए या पत्रिका के लिए लिख सकते हैं, या एक बहुत अच्छा टेलीविजन के लिए, दूरदर्शन के लिए धारावाहिक लिख सकते हैं, या फिल्म की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियो से ज्यादा लेखन में चुनौती और कहीं नहीं। बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि शब्द हैं जिनके माध्यम से आपको अपने श्रोताओं को बांधना है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो रेडियो की ताकत भी है, जो रेडियो की, क्योंकि रेडियो जो सुनने वाले उनका ध्यान बटा होता है, इसमें सहूलियत है कि आप अपना काम करते जाइए, सुनते भी जाइए, तो उसका ध्यान बटा होता है, तो पहले तो जो सुन रहा है उसका ध्यान अपनी तरफ लाना होता है, तो कैसे ध्यान आए, यानी आपके कार्यक्रम जब आप लिखने बैठे तो आपको जहन में ये रखना है, दिमाग में रखना है कि भाई वो सुन रहे हैं तो उनको पहले अपने कार्यक्रम से जोड़ना है, बांध लेना है। तो अपनी सारी जो है जानकारी भी इतनी रोचक रहे और लिखने का ढंग भी रोचक रहे, रेडियो की भाषा रहे, तो ये तमाम सारे पहलू उसमें आते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात वाजपेयी जी ने बताई, जिन्हें आप अवश्य नोट करें, कि रेडियो के लिए स्क्रिप्ट बहुत आवश्यक चीज है। एक दो कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें शायद स्क्रिप्ट की आवश्यकता न हो, अन्यथा नमस्कार भी अगर है तो उसको भी रेडियो में लिखा हुआ होना चाहिए। और जब भी आप रेडियो के दफ्तर जाएंगे, कहीं भी अपने निकटवर्ती आकाशवाणी केंद्रों पर भी जाएंगे और कुछ लिखने की बात करेंगे, तो सबसे पहले आपसे स्क्रिप्ट ही मांगी जाएगी कि आप लिख के ले आइए। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात बताई वाजपेयी जी ने, आप लोगों ने नोट किया होगा, न किया हो तो नोट करें, कि रेडियो जो एक माध्यम है, यदि आपने इसको समझ लिया तो अन्य माध्यमों के लिए भी आप बेहतर लेखन कर सकेंगे, उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। क्योंकि यहाँ शब्द की ताकत आपकी समझ में आ जाती है जी। शब्द से आप क्या क्या कर सकेंगे जी। जो आपका श्रोता है उसकी कल्पना शक्ति को जगा लेते हैं आप, उसमें आप दृश्य पैदा कर देते हैं जो उसकी कल्पना से अपने देख पाता है वो, कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा हो रहा होगा जी। तो इसीलिए श्रीवास्तव जी, अब हम रेडियो लेखन के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं तो इस तरह कि बुनियादी बातें, चूंकि रेडियो में विधा कोई भी हो, चाहे आप वार्ता लिखें, चाहे डॉक्यूमेंट्री लिखें, चाहे समाचार लिखें रेडियो के, तो बुनियादी बातें तो एक सी हैं। और उनकी सबसे बुनियादी बात है कि रेडियो की भाषा में सारी चीज लिखी जाए, ये महत्वपूर्ण। तो पहले हम रेडियो की भाषा की बात कर लेते हैं, मैं इसी ओर आना चाहता हूं। जी जी जी। तो अब रेडियो की भाषा जब हम कहते हैं तो कैसे वो अलग हो जाती है प्रिंट की, यानी मुद्रित माध्यम की भाषा से, या दूसरे माध्यम की भाषा है उससे कैसे अलग हो जाती है? तो देखिए, बात यह है ना कि रेडियो पर जो कुछ भी हम सुनते हैं वो किसी मनुष्य की आवाज के माध्यम से सुनते हैं। बिल्कुल। तो वो बोले हुए शब्द बन जाते हैं जी, तो जहां वो बोले हुए शब्द बन जाते हैं, हम आलेख क्यों नहीं कहते? हम क्यों नहीं कहते कि रेडियो पर एक आलेख सुनिए, हम कहते हैं रेडियो पर एक वार्ता सुनिए, वार्ता सुनिए, क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं। यानी वार्ता में तो दो लोग चाहिए, लेकिन वो दो लोग कैसे हैं? एक तो स्टूडियो में, बंद स्टूडियो में है जी, जी, लेकिन वो बात तो सुनने वाले से कर रहा है, भले वो 1000 किलोमीटर दूर बैठा जी, जी, है, लेकिन जो सुन रहा है उसको लगे कि ये जो बोल रहा है ये मुझसे ही बात कर रहा है, मुझसे ही संवाद कर रहा है। इसलिए ये रेडियो की भाषा इसी वजह से बदल जाती है। अब इस बदलने में क्या है कि पहली बात, जैसे हमने मान लीजिए, बड़ी सादा सी बात है, आप एक सामान्य आलेख आप पत्र पत्रिका में लिखते हैं तो आप कहते हैं कि निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब अगर बोलने में भी आप निम्नलिखित कहेंगे या निम्न बातों का, तो बेचारा नीचे देखे तो श्रोता तो उसे क्या दिखेगा, ऊपर देखेगा तो छत दिखेगी। तो बातें, एक तो सामान्य सी बातें भाई, उनका इस्तेमाल आप ना करें जो इस तरह मुद्रित माध्यम में आप करते हैं। दूसरा ये है कि देखिए, आप अखबार में पढ़ते हैं तो यह लिखा होता है, वह लिखा होता है, रेडियो पर यह वह नहीं मिलेंगे आपको, ये पर वो जी, तो बिल्कुल है। यानी अब चूंकि बोलचाल की बात है इसलिए उसमें अतः नहीं मिलेगा, कोई बोलेगा, क्योंकि हम बोलने में अतः कहाँ प्रयोग करते हैं, अमूमन नहीं करते, नहीं करते जी, 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 तो इस तरह के शब्द जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते आम बोलचाल की भाषा, उनका प्रयोग नहीं करते। क्योंकि अब उसमें एक रेडियो की भाषा में एक बात ये भी तो है कि रेडियो एक ऐसा माध्यम, भाई अखबार तो पढ़ा लिखा पढ़ेगा, मैगजीन किताबें तो पढ़े लिखे लोग पढ़ेंगे, रेडियो सुनने वाला कोई जरूरी थोड़ी, हो सकता वो अशिक्षित हो सकता अल्प शिक्षित हो, तो वो सबके लिए जरूरी, मतलब उनके उपयोगी बनाना हमें तो अपने कार्यक्रम को, कि कोई विद्वान सुने तो वो भी सुने आनंद ले, और कोई अगर अशिक्षित है तो वो भी उसका पूरा आनंद ले, समझ जाए बात को। तो हमारी भाषा इसलिए बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत अनौपचारिक होनी चाहिए। तो अच्छा, अब उसमें एक पहलू ये आता है कि जैसे मैंने कहा ना कि
कोई अपने ध्यान में लगा हुआ है। एक तो ये भी है ना कि किताब तो अपने साथ है, चाहे दो बार पलट के देख लो, चाहे कितनी बार देखो। रेडियो में तो जो बोल रहा है वो सुन रहे हैं आप, वो सुन के सुनते ही वो हवा में विलीन होता जा रहा है, उसको आप वापस ला नहीं सकते। तो कहीं ये गुंजाइश नहीं कि कोई कठिन शब्द आ गया तो आप डिक्शनरी देख लो या किसी से पूछ लो। तो जो कुछ सुना जा रहा है उसको साथ के साथ सुना जाना है और साथ के साथ समझा जाना है। तो ये बहुत बुनियादी एक जरूरत आ जाती। इसलिए जो कुछ भी होगा रेडियो पर बड़े सरल शब्दों में होगा, बोलचाल की भाषा में होगा, बहुत अनौपचारिक, बहुत आत्मीयता की भाषा होगी, बिल्कुल दोस्ताना भाषा होगा, दोस्ताना लहजा होगा, ताकि सुनने वाला बिल्कुल उसी को सुनता रहे, बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर के। भले अपने काम में लगा है लेकिन उसका ध्यान वो सुनने वाले पर लगा रहे। और कोई बात ये ना हो कि कोई उसमें ऐसा कठिन शब्द आ गया, बहुत जटिल वाक्य आपने ले लिया, सब गड़बड़ा गया। अब हम जो प्रिंट की भाषा में या अखबार मैगजीन में कहते हैं, जैसे एक साथ कह देते हैं कि जापान, मलेशिया और थाईलैंड की राजधानियां क्रमशः टोक्यो, कुआलालंपुर और बैंकॉक, रेडियो पर यह नहीं चलेगा क्योंकि क्रमशः वाले में तो गड़मट हो जाएगा। तो आपको कहना पड़ेगा कि जापान की राजधानी टोक्यो है, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बिल्कुल, तो ये क्रमशः वाला वहां नहीं चल सकता। कोई जटिल वाक्य नहीं चले, बड़े आम, देखिए एक बड़ी आम सी बात है, अखबारों में छपा रहता है कि फला फला नागरिक विमानन मंत्री श्री सो एंड सो, जो कि राष्ट्रपति जी के साथ ब्रिटेन की यात्रा पर गए, ने आज ब्रिटेन के नागरिक विमानन मंत्री से मुलाकात करके ये स्पष्ट किया कि भारत वगैरह वगैरह, यानी एक जटिल वाक्य आपको तीन चार वाक्य का बना हुआ एक वाक्य आपको पढ़ने को रोज मिलता है अखबार में। लेकिन रेडियो पर इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए। उस बात को आप तीन वाक्य, छोटे छोटे वाक्यों में तोड़ लें तो उसको एक सरल, सीधे साधे शब्द, बोलचाल के शब्द, सरल भाषा, सरल छोटे छोटे वाक्य, ये एक बुनियादी जरूरत है रेडियो के। कोई भी कार्यक्रम आप लिख रहे हैं तो उसके लिए एक तो बुनियादी बात ये। फिर रेडियो चूंकि दृश्यहीन माध्यम है तो दृश्यहीन माध्यम की वजह से हम क्या कोशिश करते हैं कि ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिसमें कोई दृश्य निर्माण हो। जी जी जी, दृश्य निर्माण यानी जो उसकी कमी है कि दृश्य नहीं है, उसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो अपनी बात को थोड़ा दृश्यात्मक बनाते हैं। आप ये कह दें, आप एक आंकड़े बताने लगे आपके, देखिए मुंबई में इतनी गाड़ियां हैं, इतने हजार, इतने लाख गाड़ियां हैं, चेन्नई में इतने लाख गाड़ियां हैं और कोलकाता में इतने लाख और दिल्ली में, उसके इस बजाय ये कहने के हम कहते हैं कि देखिए बॉम्बे, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में जितनी कुल वाहन है उन सबको जोड़ लें तो उतने वाहन, उससे ज्यादा वाहन दिल्ली में। तो एक बात को आपने बड़े उस तरह से कह दिया। या मान लीजिए हमारे शरीर में जो नर्व्स हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए, तो बजाय ये कहने कि इतने अरब, इतने करोड़, इतने मीटर का वो बनेगा, बजाय उसको हम कहते हैं कि एक दृश्य बनाते हैं कि अगर उसका एक सिरा हमारे धरती पर होगा तो दूसरा सिरा चंद्रमा पर होगा। तो इसी बात को, यानी हमारे शरीर में जो नर्व्स है उनकी लंबाई को आपने बड़े एक रोचक ढंग से बता दिया और एक दृश्य बनता कि अरे वो इतना, इतनी लंबाई है कि धरती और चंद्रमा की दूरी नाप ली गई। इसी तरह आपने कहा कि भाई भाखड़ा नंगल बांध की ऊंचाई 740 फीट है। अब 740, 540 सब सुनने में सब एक जैसा हो जाता है, उसमें कोई वो बात मतलब पकड़ में नहीं आती। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि भाखड़ा नंगल बांध की ऊंचाई इतनी है जैसे कि एक के ऊपर एक तीन कुतुब मीनार रखे जाए, तो एक दृश्य बनता है, एक दृश्य निर्माण कर दिया। कुतुब मीनार पहले से उसको सुनने वाले को लगता है और कुतुब मीनार तो बहुत ऊंचा है, फिर उसके ऊपर एक और कुतुब मीनार, एक और, तो तीन कुतुब, तो एक ऊंचाई का पूरा एक दृश्य निर्माण हो जाता है। या हम कहते हैं कि इतनी ऊंचाई है भाखड़ा नंगल बांध की, जैसे 125 लोग एक के ऊपर एक के ऊपर एक खड़े किए जाए, तो एक पूरा दृश्य बन जाता है। तो ये मतलब प्रयास, जरूरी नहीं कि हर जगह ये संभावना बन पाए, लेकिन जहां भी ये संभावना है कि आप उसको भाषा को थोड़ा विजुअल इम्पैक्ट, जिसमें कहते हैं दृश्यात्मक प्रभाव, अगर आप उसमें डाल सकते हैं तो आपका कार्यक्रम बहुत रोचक बनेगा। तो इसी तरह आंकड़े की बात है, अब बहुत जगह आंकड़ों का प्रयोग खूब किया जाता है। आप जो आर्टिकल पढ़ते हैं अखबार या पत्रिका में तो उसमें आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन रेडियो पर आंकड़े जो है ना वो उचित नहीं होंगे कि अगर आप एक लाख, इतने लाख, इतने हजार, इतने सौ, दशमलव, नहीं आप परेशान हो जाएगा सुनने वाला। तो आप उसको मतलब उसको वो कर दीजिए कि भाई सवा लाख, डेढ़ लाख,
या 20 लाख है लगभग इतने, जी, जी, तो जी, बजाय उस तरह के आंकड़ों को बोझा न बनाए जी, और जी, आंकड़ों को भी बड़े अगर आप सुंदर तरीके से बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिल्कुल, मसलन हम भारत में जितने ग्रेजुएट हैं उतनी तो मतलब बहुत सारे मुल्कों की आबादी नहीं है, तो अपनी बात को उस तरह थोड़ा रोचक या चमत्कारिक जैसा बना करके अगर आप कहते हैं तो आंकड़ों को भी मतलब बोझिल उसमें जब अगर कहीं प्रयोग करना ही पड़े तो उनको बड़ा रोचक बना के आपको बिल्कुल प्रस्तुत बिल्कुल। करना पड़ता और है। एक चीज और भी जो महत्वपूर्ण है और आप उस ओर इशारा कर ही रहे हैं कि अगर बहुत आवश्यक हो ही जाए कि आंकड़ा लिखना है तो उसे शब्दों में लिख करके ले जाते हैं स्क्रिप्ट जी में, बिल्कुल बिल्कुल। अंकों में लिख के ले जाने पर पता और चला कि जटिल मत बनाए, आप शून्य पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, अचानक 1,93,000 कहने की जगह कहिए लगभग 2 लाख कहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हम लोगों ने की कि ये जो रेडियो की भाषा है इस पर बात की, और यदि आपने रेडियो की भाषा को समझ लिया तो जाहिर है कि आपका एक बड़ा काम तो हो गया, यानी कि आपने यह जान लिया कि आपको बातचीत किस भाषा में करनी है, लिखना किस भाषा में है, शब्द किस प्रकार के इस्तेमाल करने हैं, शब्दों में किस तरह के शब्दों से आपको बचना है, ये तमाम चीजें वाजपेयी जी ने बताई और आप सबने नोट किया होगा। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे कि भाषा तो हमने जान ली कि भाषा कैसी होनी चाहिए रेडियो की, अब मसलन मान लीजिए कि अब इनको वार्ता लिखनी हो तो तैयारी किस तरह करनी जी, चाहिए जी, इनको। देखिए सबसे बहुत बुनियादी जरूरत है कि जो भी आप कार्यक्रम सुनते हैं, मैंने कहा ना कि उसमें उसको बहुत रोचक बनाना है जी, जी, और बहुत उसमें जानकारी पूर्ण बनाना, किसी चीज पे वार्ता है किसी जानकारी है तो उस वार्ता को सुनने के बाद वो भी चमत्कृत रह जाए कि अरे कमाल है, ये सारी बातें हमें पता ही नहीं थी। तो वार्ता किसी विषय पे हो सकती है, जैसे अब पानी है, हम इतना पानी पीते हैं लेकिन आपको अगर पानी पे बात की जाए ना तो इतने ऐसे ऐसे रोचक तथ्य मिलेंगे कि आप चौंक जाएं। बिल्कुल। और कि कितने तरह का पानी है और क्या क्या है और क्या, तो नमक है हमारा, नमक पे ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएं। बिल्कुल। तो उन जान तो सबसे पहले जो विषय जिस पर आपको वार्ता लिखनी है, डॉक्यूमेंट्री लिखनी, कुछ जी, भी लिखना है जी, जी, जी। तो ये जरूरी कि आप उस पर विशद अध्ययन करें, उस पर खूब सारी सामग्री जुटाएं, और वो सामग्री किताबों से मिलती है, पत्रिकाओं से मिलती है, इंटरनेट के जरिए मिलती है, कहीं जाना पड़ता, कई बार ऐसा होता है कि आपको उस जगह पे जाना पड़ता है शोध करने के लिए, जाना भी पड़ सकता है, बहुत सारे लोगों से मिलना हो सकता है। अब जाहिर है कि जैसे कोई किताब ऐसे लिखता है वो भी जैसे होमवर्क करता है 1857 पे, तो वो उन जगहों पे जाता है जहां वो क्रांतिकारी थे, जहां वो शहीद हुए, और उस तरह की सामग्री जुटाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। करीब करीब वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होते हैं कि आपको जहां जिस साधन से भी कोई जानकारी मिल सकती है वो जानकारी जुटाना है। लेकिन अब आपका वार्ताकार के नाते क्या होता है, ऐसा होता है जितेंद्र जी रोजमर्रा के अभ्यास में रेडियो स्टेशनों पर ये आम बात है कि भाई किसी को आपने वार्ता दी, उसने कुछ किधर से देखा उधर देखा, कुछ जानकारी जुटाई, आके अपना रिकॉर्ड करा दिया, लेकिन वो वार्ता नहीं होती सही माने में। हाँ जी जी, बहुत कम ऐसी वार्ताएं होती हैं कि सुन के आपकी जो है आप बिल्कुल सुनते रहें और प्रसन्न हो जाएं और अच्छी अच्छी जानकारियां मिलें और लोग आपका इंतजार करें कि आपकी अगली वार्ता कब आएगी। ऐसे वार्ताकार होते हैं कि लोग उनका इंतजार करते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तो जो मैं बात कह रहा था कि पहले तो आपने खूब सारी सामग्री जुटा ली, अब उस सामग्री में देखना कि इसमें कैसी जो आपका विषय है कि क्या क्या ऐसी बातें हैं जो श्रोताओं से बांटी जाए और उनको समावेश उनका करना बहुत जरूरी है। उस अलग तरह की अनूठी जानकारी को आप सारा इकट्ठा कर लीजिए। अब बात आती है तो आपका हो गया रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री हो गई। अब जो सबसे बड़ी बात है किसी रेडियो कार्यक्रम में, ये वैसे सारे माध्यमों के लिए तो जरूरी है कि भाई शुरुआत आपकी अच्छी हो, ये कौन सभी कहेंगे, लेकिन रेडियो पर जो प्रारंभ है किसी भी कार्यक्रम का, वो उस रेडियो कार्यक्रम के बिल्कुल न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि बहुत ही जिसको हम कहते हैं कि वो उस कार्यक्रम के जीने मरने का सवाल है कि कार्यक्रम प्राण वही है कि जो शुभारंभ आप करने वाले हैं और श्रोता ने सुना और पहली लाइन या कुछ शब्द ये तय कर देंगे कि उसको वो आगे सुनेगा या नहीं सुनेगा, कार्यक्रम को आपको स्विच ऑफ कर देगा या दूसरा स्टेशन दूसरा केंद्र लगा लेगा। तो यहाँ पे जो आरंभ है किसी रेडियो कार्यक्रम का वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो उसको आपको जहन में रखना है कि औपचारिक शुरुआत आप मत करें, एक वार्ता लिख रहे हैं बड़ा सीधा सा है, आपको वार्ता लिखनी है भील जनजाति पे। अब एक बहुत अलग तरह का विषय है,
आप एक तरीका तो ये कि आपने कहा कि भारत में अनेक जनजातियां हैं और इन्हीं जनजातियों में से एक भील जनजाति है जो यहाँ पर, ये तो औपचारिक बात हो गई। उस जो सुन रहा है, जैसे मैंने कहा कि वो अपने 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 काम में लगे हैं, अब उसको जोड़ेंगे कैसे आप ऐसी बात से शुरू करें कि वो उससे वो भी सारे लोग परिचित हों। तो आप भील पे वार्ता अगर आपको लिखनी है तो एक तरीका है एकलव्य का, एकलव्य को तो सब जानते हैं, एकलव्य की कहानी सब जानते हैं, फिर आप अपनी बाकी सारी बातें जो आप वर्णन करना चाहते हैं, उनकी वेशभूषा, उनकी परंपराएं, उनके रीत रिवाज और तमाम सारी बातें जो आप तय करेंगे उसमें, लेकिन एक तरीका एकलव्य वाला हो गया। एक तरीका ये हो गया कि महाराणा प्रताप ने वहां शरण ली थी तो भील वहां शरण, कैसे उनका सहयोग। एक तरीका ये कि जो रामायण आपकी है वाल्मीकि ने लिखी, वाल्मीकि भील थे। कितने संदर्भ हैं, या ओलंपिक का संदर्भ ले लीजिए, जो धनुर्धारी हैं उनमें से हमारे भील, उन्होंने क्या क्या कमाल किए हैं, मतलब उस तरह परफॉर्मेंस, मतलब उनका जो योगदान है उसकी तो भी कहीं बात। हाँ, ऐसा जो जिससे वो सुनने वाला परिचित है, पहले उसको वहां से जोड़िए, भीलों से एक दफे उस भीलों की दुनिया का जो आकर्षण उससे जोड़ लीजिए, फिर आप बात करते चले चलिए, जिससे उनका महत्व निर्धारित हो, उनका संघर्ष निर्धारित हो, उनका योगदान भी निर्धारित हो, जिस विषय पर। बहुत अच्छा। कई बार औपचारिक शुरुआत होती है, प्रदूषण है, प्रदूषण पे आपको कोई वार्ता देनी है, वार्ता लिखनी है, अब आप शुरू हो गए कि साहब प्रदूषण तीन प्रकार का होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये तो औपचारिक बात हो गई, इससे कोई नहीं। ऐसी बात करिए जिससे कि वो जुड़े, जैसे मसलन आप सवाल खड़ा कर सकते हैं कि क्या प्रदूषण के कारण क्या कभी ऐसा दिन भी आएगा कि हमारा ताजमहल काला पड़ जाएगा? बिल्कुल। अब साहब जो सब्जी बेच रहा है और ट्रांजिस्टर लेके बैठा, उसकी भी चिंता है ताजमहल, सबकी चिंता ताजमहल। कहीं ने आपने एकदम से एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया कि लोग चौंके और आपकी बात सुनने लगे, फिर आप प्रदूषण पे जो कहना चाह रहे हैं सारी बातें कहते चलिए। तो सबसे पहली जो शुरुआत है वो ऐसे किसी संदर्भ से करिए, कहानी के रूप में करिए, या कोई और संदर्भ, ताजा संदर्भ कोई हो तो वो ले लीजिए। जैसे अभी इतना बड़े गर्व की बात थी कि ताजमहल को हमारे एक वो जो इतना वोटिंग चली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको पहला स्थान मिला, तो वहां से आप शुरू कर, मतलब कोई ऐसा संदर्भ ले लें जो बड़ा जुड़ा हुआ संदर्भ हो, उससे आप शुरुआत करें और वहां से फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी वार्ता जब लिखें तो उसे बहुत औपचारिक न बनाएं। ऐसी वार्ताएं रेडियो पर आती रहती हैं, ऐसा नहीं, जैसा कि खुद वाजपेयी जी ने कहा, लेकिन सिर्फ आती रहने वाली वार्ताएं जैसी वार्ता तो नहीं लिखनी है आपको। यदि आप तैयारी कर रहे हैं कि आपको भविष्य में रेडियो लेखक बनना है और ऐसा लिखना है जिसका असर सकारात्मक पड़े आपके सुनने वालों पर, समाज पर, तो आपको कुछ अलग करना होगा, आपको अपनी वार्ता को विशेष बनाना होगा, और जाहिर है कि उसका आरंभ भी विशेष करना होगा। तो हमने अभी वार्ता, कुछ चीजें और भी हम करेंगे, जैसे वार्ता हो गई तो लगभग इसी ढंग की तैयारी इनको तमाम अन्य चीजों में भी करनी है। अन्य चीजों में भी यही करेंगे। अब आगे ये भी देखना है कि भाई समय कितना है। जी जी जी। आपने एक विषय दिया। जी जी। मतलब दहेज पर आपने। जी जी। जैसे एक दहेज की कुरीति है, उस पर वार्ता है, मान लीजिए कर रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि 7-8 मिनट की वार्ता है तो आप दहेज की इतिहास ही बताते रहे 6 मिनट तक, बाद में कुछ बचा तो अपने समय को, जो समय है उसको एक बांट लेना चाहिए कि कोई बहुत सारे तथ्य वो छूट नहीं जाए, बहुत सारी बातें छूट ना जाए। आप सारे पहलू पे जो जो आप वार्ता का जो विषय क्षेत्र, जिसको हम स्कोप कहते हैं, जो आपको रेडियो स्टेशन ने भेजा है, तो उसके इर्द गिर्द कोई आप इधर उधर की बात ज्यादा कर जाएं और मूल चीज से भटक जाएं, तो ये एक बहुत जरूरी बात कि अपना समय आप उस तरह निर्धारित कर लें, उसमें प्रवाह बना रहे। अब एक इसमें वार्ता में एक चीज जो बहुत जरूरी है कि कभी भी हम रेडियो में विद्वान बन के कोई बात नहीं कहते। जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल दोस्ताना लहजे में आप बात कर रहे हैं कि जो सुन रहा है, हम बेशक बहुत बड़े, कुछ भी बड़े विद्वान हैं, लेकिन जब हम वार्ता दे रहे हैं तो बिल्कुल उस सुनने वाले के साथ मिल के बात करते हैं। तो जैसे हुकारी करते थे ना बचपन में, कहानी सुनते थे, हूँ हाँ, तो अब वो सुनने वाला तो वहां बैठा है तो वो तो नहीं भर सकता। तो उसका तरीका ये होता है कि हम जो भी वार्ता करते हैं तो छोटे छोटे जैसे पैराग्राफ के बाद उसको श्रोता को अपने साथ मिला के उस श्रोता का काम खुद ही संभाल लेते हैं। मतलब हम कहते हैं कि आइए अब देखें कि ऐसा कैसे होता है, आइए देखें क्या ऐसा संभव है, यानी खुद ही सवाल खड़े करते चलते हैं श्रोता की तरफ से जैसे, जी जी, और खुद ही बात करते। तो बजाय इसके कि आप एक 9 मिनट तक आप शुरू हो गए और भाषण जैसा देते रहे, नहीं, आप उसको छोटी छोटी बातें करते जा रहे हैं और श्रोता को साथ मिलाते जा रहे हैं। जैसे हम भी जिज्ञासु हैं, हम भी जैसे कोई चीज खोज रहे हैं, बिल्कुल श्रोता की तरह से, आइए अब ये देखें क्या ऐसा हो सकता है। इस तरह के छोटे छोटे सवाल भी खड़े करते रहना चाहिए अगर वार्ता है तो।
ताकि उसकी रोचकता बनी रहे रोचकता बनी रहे। और सुनने वाले को ये लगे कि मतलब हमारी ही बात की जा रही है और हम ही से संवाद किया जा रहा है। हम आज कुछ और बात करें वाजपेयी जी, कुछ अन्य तरह की चीजें आती हैं, मसलन कई बार रेडियो पर कार्यक्रम आते हैं, घरेलू महिलाओं के लिए कार्यक्रम, कामकाजी स्त्रियों के लिए कार्यक्रम, सैनिक भाइयों के लिए कार्यक्रम, किशोर आप मेरा ये है कि यदि इस तरह के कार्यक्रम हों, रेडियो पर आते ही रहते हैं, युवाणी आती रहती है तमाम, अगर कोई नया व्यक्ति वहां पहुंचता है, युवा पहुंचता है, कोई युवती पहुंचती है, तो यदि उनको इसकी एंकरिंग करने के लिए दिया जाए कि इस तरह के कार्यक्रम की एंकरिंग आपको करनी है, तो उन्हें किस तरह करनी चाहिए, किस तरह की स्क्रिप्टिंग उनको करनी चाहिए, अपनी तैयारी किस भांति करनी चाहिए ताकि उनका कार्यक्रम विशेष बन पड़े। बिल्कुल ठीक है। जाहिर है कि जैसी जैसे जिस तरह का कार्यक्रम है, जैसे आप खुद ही जिक्र किया, युवाणी है, महिलाओं का कार्यक्रम है, अलग बच्चों का कार्यक्रम है, जी, जी। तो एक तो जिस के लिए कार्यक्रम है उसको ध्यान में रखना है। महिलाओं का कार्यक्रम उदाहरण लेते हैं, जी, जी। अब महिलाओं के कार्यक्रम का की एंकरिंग करनी या उसके कंपेयरिंग करनी है या जो मतलब जो प्रस्तुति करनी है, तो अब उन सारी महिलाओं के लिए जो आइटम आपको रेडियो स्टेशन ने दी वो तो ठीक है, वो तो है, उनको तो बांधना ही है उनकी भूमिका बना के, लेकिन अब बहुत सारी आप समय जो मिलेगा उसमें आपको अपनी बात कहनी, तो अब वहां पे क्या चीजें हैं जो महिलाओं के जहन में आज गूंज रही होंगी। ऐसा रोज होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस पर हर कोई बात करना चाहता है, जैसे भारत जीत गया है क्रिकेट में, किसी में ओलंपिक में मेडल है, तो हर कोई उस पर बात करना चाहता है। हम आपस में फोन पे भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से वो बात ले आएंगे उसमें, ये सब तो उसी तरह से उन महिलाओं को हमें दिमाग में रखना चाहिए। ग्रामीण महिलाएं हैं तो उस तरह की कोई बात, शहरी महिलाओं के लिए कार्यक्रम तो उस तरह की कोई बात, तो ऐसी बातें हम करें जिससे वो महिलाएं हमारे कार्यक्रम से जुड़े और उपयोगी जानकारियां उनके लिए हम जुटा के लाएं इधर से कहीं से भी, कि वो कार्यक्रम सुनने के बाद उनको कुछ लगे कि हमें कुछ मिला। बिल्कुल बिल्कुल उपयोगी, बहुत सारी रोचक जानकारियां होती हैं, बहुत सारे मानवीय पहलू होते हैं, कुछ ऐसा घट गया है, किसी महिला ने बहुत बड़ा कोई किसी हो सकता हमारे देश में किसी और देश में कुछ ऐसा काम कर दिया है जो बहुत अनूठा है और बहुत गौरव का है, तो उसकी बात करने की जानी चाहिए। तो इस तरह के ऐसे जो भी है कोई भी जो हम सूचनाएं जुटाते हैं, हमें ध्यान रखना है कि बहुत रोचक सूचनाएं हम जुटाएं, बहुत उपयोगी सूचनाएं हम जुटाएं, बहुत सारे मानवीय पहलुओं से जुड़े जो जानकारियां हैं या उस तरह के समाचार हैं उनसे जुड़े, उनको सबको हम जुटाएं। तो ये एक बहुत बुनियादी जरूरत है। इसी तरह बच्चों के लिए, बच्चे हैं तो अच्छा उसी तरह से फिर भाषा भी थोड़ी थोड़ी बदलती जाएगी। अब बच्चे हैं तो बच्चों की तरह की भाषा होगी, जो भाषा हम देखिए शहरी महिलाओं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो ग्रामीण महिलाओं के लिए तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह युवा हैं तो फिर उस तरह की थोड़ी भाषा बदल, तो एक तो उसका जब हम इस आलेख लेखन करते हैं तो कौन सा हमारा श्रोता वर्ग है इसका भी ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये है कि हमारे ये नहीं कि खाना पूरी करके आप कुछ ले आए, बहुत रोचक सी जानकारियां आप लाइए, रोचक भाषा में लाइए और बहुत सारी उपयोगी जानकारियां उसमें जुटाइए। बाकी जो आपको रेडियो उस कार्यक्रम में जो आइटम है, मान लीजिए किसी डॉक्टर से किसी विषय पे इंटरव्यू है, तो उस विषय तक श्रोता को लाना वो भी आपकी जिम्मेदारी, तो उस जो आइटम है उसमें बीच में उसकी जो सामग्री है उसके लिए भूमिका बनाना, उस छोटा सा आलेख लिखना वो भी आपकी उसकी जरूरत है। तो इस तरह से हमारा आलेख बनता है, यानी कि इस तरह से नहीं है कि आप किशोरों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं या महिलाओं के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप गए और आपने कुछ भी आए बाएं साएं किया और कुछ गीत लगा दिए और कुछ इधर उधर की बातें कर दी। आपको विधिवत तैयारी करके जाना चाहिए, आपको महिलाओं से संबंधित जो तमाम समस्याएं हो सकती हैं, जो उनके दिनचर्या से संबंधित बातें हो सकती हैं, उनकी गहरी जानकारी अर्जित करनी चाहिए। और जो अवकाश, मान लीजिए आप गीत दे रहे हैं तो गीत के बीच में जो अवकाश बच जाए, या किसी से आप साक्षात्कार कर रहे हैं उसके बाद कुछ बात कहनी है जैसा कि वाजपेयी जी ने इशारा किया, तो ये तमाम तैयारियां आपको करनी ही चाहिए। वो चाहे आप सैनिकों के लिए कार्यक्रम की एंकरिंग कर रहे हों या महिलाओं के लिए एंकरिंग कर रहे हों या किसी भी मतलब विशेष जो आपका श्रोता वर्ग है उसके लिए कर रहे हों, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। ये अगर रेडियो नाटक कि जब बात आती है, जी जी जी। एक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिस आरंभ में जिस ओर आपने इशारा किया जी जी। कि अगर आप साहित्यिक व्यक्ति हैं तो रेडियो में आपके लिए नाटक एक
जी विधा हो सकती है जिसमें आप जाकर के लिखें, जी तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए नाटक में ये है कि जो कुछ लोग तो आप मौलिक नाटक भी लिख सकते जी हैं जी जी कि कोई स्थिति है एक जो मतलब समाज में रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसको नाटक में ढाला जा सकता जी जी है। जी बड़े अंतर्द्वंद हैं, तरह तरह के अंतर्द्वंद हैं, वो कोई भी नाटक होगा उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, संघर्ष होगा, अंतर्द्वंद होगा, उसी पे नाटक आधारित होता है। एक स्थिति से आप चले और वो दृश्य बना, छोटे छोटे दृश्य बनाते गए और एक समस्या जो है बिल्कुल चरम बिंदु पे पहुंचती गई और आखिर में आपने उसका क्लाइमेक्स ले आए और कोई समाधान निकाला या जो भी किया। अब इसमें यह है कुछ तो मौलिक लेखन आप कर सकते हैं, कुछ आप ये भी कर सकते हैं कि रेडियो स्टेशन में उसके प्रस्तुतकर्ता प्रोड्यूसर से संपर्क करके कुछ कहानियों का आप नाट्य रूपांतर कर सकते हैं। जी 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 अब जी। है क्या कि कहानी तो आपके पास है, अब करना है नाट्य रूपांतर, यानी वो सारी चीजें अब वो एक दृश्य बनाना है कहानी में, तो कोई एक जहां का है तो अब आपको वो सारी डिटेल जुटानी है कहां का दृश्य है, तो कमरा है तो उसके हिसाब से आपको दृश्य लिखना पड़ेगा कि कमरे में वो कुर्सी से वहां से आते हुए दूर से जो भी कुछ उस दृश्य की पहले थोड़ी सी पूर्व पीठ का तो आपको बनानी पड़ेगी कि एक सुबह का दृश्य है और चाय जो है गृहिणी जैसे चाय लेकर के आई हैं ताकि वो जो है उस तरह के साउंड इफेक्ट जो है प्रोड्यूसर जुटा सके। क्या दृश्य है पहले तो दृश्य आपने बनाया, फिर संवाद चलते चले जाएंगे, तो आपने पूरे नाटक को दृश्यों में बांट लिया। अब ये नहीं कि नाटक लिखने बैठे तो कहानी का नाट रूपांतर किया तो बस दो पात्र पकड़े और फिर उनके डायलॉग होते गए और पूरा ऐसा होता भी है, लेके आते हैं कि अब पता चला कि आपने बीच में दृश्य बदले नहीं और शुरू से 15 पेज तक आप उनके डायलॉग ही करते गए, या मान लीजिए बदला भी तो बड़े वो जा, तो उनको एक समुचित दृश्यों में बांट करके और उनके बीच और उनमें किस तरह पात्र का चयन करना है, किन स्थितियों को ज्यादा उभारना है, जो उस तरह की स्थितियां जिनकी ज्यादा महत्व ने उनको गौण, क्योंकि नाटक में भी आपको समय देखना है, सीरियल नहीं लिख रहे हैं आप, नाटक लिख रहे हैं आधे घंटे में सारा समेट देना है, तो आपको किसी उपन्यास दे दिया कि इस उपन्यास को एक आधे घंटे का नाटक बदलना है, अब आपके बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया, तो उस लेकिन असली क्योंकि ऐसा होते हैं बहुत सारे नाटक हैं जो उपन्यासों पर आधारित हैं, एक घंटे वाले भी हैं आधे घंटे वाले भी, तो उसकी असली जो जो है कथा वस्तु उसको पकड़ के और आपने अपने उसमें ढाल लिया। नाटक में यह है कि वहां भी यही बात है कि लंबे लंबे संवाद नहीं हो, कि एक ही पात्र बोला जा रहा है तो वो 3 मिनट तक वही खींच दिया, ऐसा नहीं है, जो जो मतलब छोटे छोटे संवाद हो और पात्र के अनुकूल संवाद हो, वो भी देखना कि ये नहीं कि कि किस तरह का पात्र है, नौकर है तो उसकी भाषा होगी, गांव ग्रामीण पात्र है तो उस तरह की भाषा होगी, शहरी पात्र है, पौराणिक पात्र है, कोई राज दरबार का दृश्य है, जो भी है तो उस पात्र के अनुकूल भाषा में आपको संवाद रचने हैं, तो नाटक है तो इस तरह की जो है सावधानियों की जरूरत है। बहुत ये बहुत महत्वपूर्ण है और नाटक एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है रेडियो के लिए। रेडियो का कोई भी चैनल आप कहीं का भी खोलेंगे तो आपको रेडियो नाटक जैसी विधा से तो आपका सामना होगा ही, वो एक लोकप्रिय विधा है, जिस तरह गीत संगीत एक लोकप्रिय विधा है उस तरह से तो रेडियो का ये जो लेखन है जाहिर है कि बहुत व्यापक है, कई चीजें जो महत्वपूर्ण है जिस ओर हम लोग बात कर रहे हैं और आप इसे नोट कर रहे होंगे, यानी सबसे पहले हमने जिस पे बात की कि भाषा, सबसे पहले तो आपको भाषा को ही समझना होगा, दूसरी चीज हमने बात की कि एक वार्ता अगर लिखनी है तो कैसे तैयारी करें, हमने बात की कि अगर कोई विशेष जो आपका श्रोता वर्ग है अगर उसके लिए लेखन करना है तो क्या तैयारी करें, रेडियो पर साक्षात्कार भी आते हैं जी जी, जी कुछ लोगों के लिए जी। तो यदि रेडियो स्टेशन से प्रोड्यूसर ने किसी को दिया कि आपको ये फला इंटरव्यू करना है, ये साक्षात्कार करना है, तो क्या उम्मीद रखते हैं जो साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति है उसको किस तरह की तैयारी करके जानी चाहिए, करनी चाहिए साक्षात्कार करने से पहले? उसमें भी देखिए पढ़ना तो, हालांकि वो रेडियो लेखन इसलिए कि वहां कुछ लिखा तो नहीं जाता जी, 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 क्योंकि ये तो बातचीत है, लेकिन बातचीत से पहले भी उसका अध्ययन तो करना पड़ता है, कुछ सवाल बनाने पड़ेंगे, सवाल तो बनाने पड़ेंगे, और इसलिए कि वही है कि जो समय आपको मिला है 15 मिनट में आपको साक्षात्कार करना है, आधे घंटे में करना है,
जो समय उस समय की सीमा है जी, और जी, पूछना बहुत कुछ है, बहुत। तो आप क्या चीज महत्वपूर्ण वो आपको रखना पड़ेगा और तैयारी खूब करनी पड़ेगी जिससे आप साक्षात्कार कर रहे हैं। दो तरह के हैं, या तो मुद्दे पर आधारित साक्षात्कार होगा या व्यक्ति पर्सनालिटी व्यक्तित्व आधारित होगा। मुद्दों पर आधारित तो एक एक चीज की आपको पकड़ होना चाहिए कि जिस आपने मंत्री को से बात कर रहे हैं, जिस बड़े अधिकारी से बात कर रहे हैं, उससे आप सारे मुद्दों पर आपको होमवर्क अगर तगड़ा है की बात कर पाए आप पूरी तरह, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि वो भी लगे कि क्या मतलब, ये नहीं कि आपने कुछ इस तरह के एक दो सवाल कर दिए तो हो गई बात, नहीं, उसके गहराई तक जाएं और एक एक तथ्य को आपको लेकर के आए ताकि आप तथ्यों को सारी चीजों को उजागर कर सकें जो सुनने वाला अन्यथा। साक्षात्कार में ये है कि जो भी सुन रहा है वो साक्षात्कार लेने वाले जगह के अपने को समझता है, समझता यानी अगर आप एक बड़े महान खिलाड़ी से, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप एक महान खिलाड़ी हैं, तो हर सुनने वाले को लगता है कि जैसे मैं वही बात आपसे कर रहा है और तो कहीं कहीं अपना प्रश्न डालना चाहता है और देखना वो जिज्ञासा जो है ना, जी, कब जी, क्यों कहां कैसे, ये जिज्ञासा को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब ये है कि प्रश्न तो बना के रख लेना चाहिए लेकिन प्रश्न में डूब नहीं जाना चाहिए, मतलब जो बोल रहा है उस पर ध्यान रखना चाहिए, जो बात कर, ऐसा ना हो कि आपने एक सवाल कर रखे हैं, उन्होंने कोई अचानक से एक के साथ जवाब दे दिया और वही सवाल आप फिर दोहराए, ये नहीं करना चाहिए। फिर कोई आपने जो जवाब दिया उसमें से कोई ऐसा बड़ा जिज्ञासा वाला बिंदु भरता है, ये नहीं कि आप तो अपना ही सवाल जो लेकर बैठे वही करते रहे, लेकिन वो जो वो कह गए हैं उस पर तुरंत आप, अच्छा कि ऐसा है तो फिर वो उससे जुड़ा कोई सवाल निकल तो वो भी करना चाहिए। ये भी थोड़ा ध्यान, ये तभी हो पाएगा कि जब आप पूरी तैयारी से पहुंचे, यानी कि अगर मान लीजिए कि नया बजट आया है और आपको वित्त मंत्री से बात करनी है तो आपको उस साल के बजट का गहन अध्ययन तो करना ही होगा, यथासंभव यदि आप कर पाएं तो पिछले दो तीन बजट का भी अध्ययन करें ताकि तुलनात्मक रूप से भी आप सवाल कर पाएं उन्हीं मंत्री महोदय ने जो पिछले बजट प्रस्तुत किए हैं, उनसे आप पूछ पाएं कि आपका ये बजट ऐसा था ऐसा है, इसके बीच का ये जो गैप है ये क्यों है, या इसकी इसने जो विकास दिखाई दे रहा है इसके पीछे उनकी क्या अवधारणा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो अध्ययन है वो बहुत मतलब काम चलाऊ नहीं होना चाहिए कि आपने 10 सवाल बना लिए कि फला मंत्री आएंगे तो फला नंबर एक कि आपको ये कैसा लगा, आपको ऐसे कैसे कर लिया, इस तरह नहीं चलेगा, यानी कि टू द पॉइंट। और सवाल ऐसे होने चाहिए कि आप जैसा बहुत महत्वपूर्ण बात की वाजपेयी जी ने, और आप सब जो भविष्य में इस ओर काम करना चाहते हैं, रेडियो लेखन की ओर जाना चाहते हैं, और उसके पहले जाहिर है कि इस पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहते हैं, परीक्षा भी देना चाहते हैं, ध्यान रखें इस बात का कि कोई भी चीज काम चलाऊ नहीं हो सकती है, आपको विधिवत तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, उसके बिना गुजारा नहीं हो सकता, कोई रास्ता अच्छा, नहीं है। जितेंद्र जी, अब हम जो एक सबसे महत्वपूर्ण उसकी बात कर लें, वो है फीचर और डॉक्यूमेंट्री। हाँ, वही मैं जाना चाहता था। अच्छा अच्छा, उधर जाना चाहता था कि रूप, क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको एक पूरी एक खुली छूट मिलती कि आप अपनी जो पूरी की पूरी प्रतिभा का प्रदर्शन वहां कर सके, क्योंकि ये रेडियो की अपनी विधा है, यानी जो कुछ आप कहना चाहते हैं उस जानकारी को बहुत ही नाटकीय तरीके से बहुत रोचक बना के प्रस्तुत कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी 1857 के स्वाधीनता संग्राम पर आप वार्ता भी दे सकते हैं, लेकिन आप एक अगर रूपक बनाएंगे तो रूपक के लिए आपको ये गुंजाइश है कि उसमें तोपों की गड़गड़ाहट भी आएगी, घोड़ों की वो भी आएगी, कहीं जो रानी झांसी के दरबार का कोई एक छोटा सा दृश्य भी आप उसमें बना सके, नाटक का एक अंश कोई एक डेढ़ मिनट का दो मिनट का आप उसमें रख सकते हैं, तो वो सारी जानकारी को इतना रोचक बना सकते हैं कि बिल्कुल 1857 में सुनने वाला उस दौर में पहुंच जाए और उस सारे दौर को वो अपनी आंखों से जैसे देख रहा है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती। अब रूपक में क्या होता है, जो गड़बड़ियां लोग करते हैं जैसे अपने परीक्षाओं में भी करते हैं, मैं कॉपी जांच रहा तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि उसमें क्या किया कि जानकारी ली और नर वो क्या कहते हैं मेल फीमेल वॉइस में, नर नारी के स्वर में बस उसको बांट दिया, तो वो नहीं है। आपको अगर रूपक लिख रहे हैं तो खूब, जैसे मैंने कहा, खूब सारा आपने अध्ययन किया, खूब जानकारी, अब आप ये देखिए कि कहां पे इसको रोचक बनाना, रूपक सही माने में बनाना, वरना तो वार्ता ही ना लिख देते, वार्ता ही लिख देते। हाँ, ये नहीं कि वार्ता बांट दी आवाजों में और संगीत के, वो नहीं है। आप उसमें देखिए कि कहां हमें गुंजाइश है कि हम नाटकीय अंश इसमें लगा सकें, कहां कहां गुंजाइश है कि हम छोटे छोटे जो है साक्षात्कार उसमें एक एक मिनट के उसमें वो टुकड़े डाल सकें, जो इतिहासकार हैं, कोई स्वाधीनता सेनानी के परिवारजन है, मान ली दो तीसरी पीढ़ी के जो भी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या और कहां कहां हम वो नाटकीय दृश्य उसमें क्रिएट कर सके, कहां कहां ध्वनि प्रभाव की कहां गुंजाइश बनती कि इसमें ध्वनि प्रभाव, तो रूपक एक बिल्कुल एक जो एक ऐसी दुनिया में आप ले जाएं जिसमें तरह तरह के ध्वनि प्रभाव हैं,
जिनसे दृश्य बन रहा है, खूब उसमें बहुत सारे नाटकीय दृश्य उसमें निकाले आप, छोटे छोटे कई टुकड़े, मुकदमा चला था आप उस बिल्कुल मुकदमे का अंश कर सकते हैं। तो बहुत सारे उसमें चीजें हैं जिनका समावेश करके एक रूपक को आप बहुत एक रोचक बना सकते हैं, व्यापक बना सकते व्यापक बना हैं। सकते हैं। एक और डॉक्यूमेंट्री में यह कि थोड़ा सादगी है, रूपक और डॉक्यूमेंट्री में इतना ही फर्क है कि डॉक्यूमेंट्री बहुत जहां गंभीर विषय हो, जहां कोई सजावट नहीं हो, जहां बहुत संगीत वगैरह की गुंजाइश नहीं है, नहीं है आप तथ्यपरक यानी झुग्गी झोपड़ी में जाकर के और उसमें भी वहां फील्ड में जाकर मैदान उस क्षेत्र में जाकर के रिकॉर्ड करके आप कुछ चीजें लाते हैं, तो वो जी, चीज डॉक्यूमेंट्री बन जाती है। जहां थोड़ा गंभीर लेखन गंभीर है। की है उसमें उसमें बहुत ज्यादा मतलब संगीत या उस तरह सजावट की गुंजाइश वहां नहीं होती, लेकिन वहां भी आपका अध्ययन और वो तथ्यों की पकड़ और सारी चीजों को गहराई से जा जा करके लाना कि जिस चीज पे आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसके हर पहलू को आप उजागर कर सकें। नाटक और रूपक में इस अंतर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि नाटक में आप बिंदु से शुरू करते हैं, बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, फिर एक बिंदु पे आके समाप्त कर देते हैं। समाप्त करते हैं। लेकिन यहां पर यह कि एक बिंदु से जैसे पेड़ का बीज से जैसे तने और जड़ें और शाखाएं और पत्तियां फूल, उसी तरह रूपक में है कि आप कहीं से शुरू करते हैं उसका हर पहलू फिर समेटते चले जाते हैं उस विषय का। ये तो ये रूपक में भी आपको विशद अध्ययन की और फिर वो जुटाना कि हमारे श्रोता के लिए वो पहलू क्या होंगे जिनसे ये हमारा रूपक या ये डॉक्यूमेंट्री हमारी खूब रोचक बने और उसमें भरपूर जानकारियां हों। लेकिन जानकारियों का भंडार रूपक नहीं है, उन जानकारियों को बड़ी कुशलता से बड़े नाटकीय ढंग से पिरो देना, तब आपके रूपक का आनंद एक है। मतलब ऐसी प्रस्तुति की जिसको सुनते हुए मन को अच्छा भी लगे और जानकारी भी मिले, मतलब एक मिला बिल्कुल जुला रूप, जबकि डॉक्यूमेंट्री में जानकारी ही जानकारी होती है आमतौर पे, बहुत आमतौर गंभीर पर, विषय होते हैं। गंभीर जी विषय जी होते हैं, जाहिर डॉक्यूमेंट्री बनती ही जी उन्हीं जी चीजों पर है, और रेडियो के लिए भी, और बल्कि बाद में जो डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनती हैं जिनके जी बारे में जी आप जानते हैं, वो इसी तरह की फिल्में होती हैं जिनमें कोई समाज का ऐसा यथार्थ जिस ओर लोगों की दृष्टि नहीं जा रही है उसे बहुत गंभीरता से पेश किया जाता है डॉक्यूमेंट्री में। गंभीर गंभीर विषयों को ही रूपक में भी जैसा आपने कहा पेश किया जाता है, लेकिन बहुत रोचक बना दिया जाता है। जी जी यानी जी 1857 हमारी स्मृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारी जो एक विरासत है भारतीयता की, जो एक पूरी विरासत है जिसे जातीय विरासत कहते हैं हम लोग राष्ट्रीयता के संदर्भ में, तो एक हिस्सा है। तो अब 1857 को जो अभी बनाया जा रहा था, लगातार मनाया गया है, तो उसके 150 वर्ष पूरे होने को जो मनाया गया है, तो जाहिर है कि रेडियो ने भी इस पे तरह तरह के कार्यक्रम दिए, टेलीविजन ने भी दिए, कई माध्यमों ने प्रस्तुत किए, समाचार पत्रों ने भी छापा किया, तो जिसने जाहिर है कि जितनी कुशलता से किया, जितनी रोचकता से किया, उसकी स्मृति पाठकों के, श्रोताओं के मन में या बिल्कुल दर्शकों के मन में बनी हुई है। तो बिल्कुल आज हम लोगों ने, वाजपेयी जी आप आए और हम लोगों ने बहुत विस्तार से बात की, और लगभग रेडियो की जो प्रमुख विधाएं होती हैं, हमने उन विधाओं को कैसे लिखें, उसकी कैसे तैयारी करें, इस पर बातचीत की। अपने जो सुनने वाले लोग हैं जिनमें विद्यार्थी और अन्य लोग भी शामिल हैं, उनसे हम लोगों ने ये बातें की, निश्चित रूप से उन्हें फायदा हुआ होगा। हम आगामी किसी अन्य परामर्श सत्र में फिर मिलेंगे, और जाहिर है कि रेडियो लेखन से संबंधित कुछ अन्य मुद्दों के साथ, कुछ अन्य बातों के साथ आएंगे, और तब तक आप इस पाठ्यक्रम को पढ़िए, तैयारी कीजिए, जहां भी आपकी समस्या हो उसे नोट रखिए, कहीं भी अपनी जो कॉपी है, नोटबुक है आपकी, उसमें नोट रखिए, और जब भी यहां परामर्श सत्र आयोजित हो यहां पर या रेडियो पर, आप अपने सवाल अवश्य पूछिए, हमें अच्छा लगेगा। आप चाहें तो अब हमें सीधे विभाग में लिख सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव, हिंदी संकाय मानविकी विद्यापीठ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली 68। हमें अच्छा लगेगा आपके प्रश्नों का उत्तर देना, हम कोशिश करेंगे कि यथासंभव आपके समस्याओं का हम समाधान करें। आप अपने जो अध्ययन केंद्र है वहां जाकर के भी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। अगले किसी परामर्श सत्र में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।